एक्सेप्ट द इम्परफेक्शन, इसके बारे में आज बात करेंगे। हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमें चाहिए वैसे नहीं है, हमें परफेक्ट लोग चाहिए, परिपूर्ण चाहिए, परफेक्ट चाहिए, कंप्लीट चाहिए, उन्हें कुछ भी कमियां नहीं होना चाहिए। मुझे परफेक्ट भाई चाहिए, मुझे परफेक्ट पत्नी चाहिए, मुझे परफेक्ट बच्चे चाहिए, मुझे परफेक्ट माँ बाप, सब मुझे परफेक्ट चाहिए। और वो वैसे रहते नहीं हैं लोग, मगर उनका इम्परफेक्शन जो है वो, हम लोगों का इम्परफेक्शन यदि एक्सेप्ट करते हैं कि वो ठीक है, इम्परफेक्ट है, वो वैसे है, वो इम्परफेक्ट है, वो यदि उनका इम्परफेक्ट हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो रिलेशनशिप हमारी परफेक्ट हो जाएगी। हम क्या करते हैं, वो इम्परफेक्ट है तो रिलेशनशिप भी इम्परफेक्ट रखते हैं। उनको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाएगी। मगर हम ऐसे करते नहीं, हमको क्या लगता है कि नहीं नहीं मैं वैसा कैसा एक्सेप्ट करूं, उसने ऐसा किया तो मैं वैसा करूंगा, उसने फलाना किया तो मैं ऐसा करूंगा। मतलब हमारा हरदम एटीट्यूड रिवेंजफुल रहता है, मैं उसको नीचा गिराऊंगा, मैं इसको नीचा बताऊंगा। हमारे आजू बाजू के लोग, फैमिली मेम्बर्स कभी हमारे ऊपर डाउट करते हैं, कभी हमको मैनिपुलेट करते हैं, हमारा फायदा उठा लेते हैं, कभी हमको दोष देते हैं, कभी हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, कभी हमको नीचे गिराते हैं। वो हमारे दोस्त होंगे, फैमिली मेम्बर होंगे, रिलेटिव्स होंगे, जो भी कुछ है, वो ऐसा करते रहते हैं लोग। और ऐसा क्यों करते हैं हमको नहीं मालूम। फिर हम सोचते हैं उन्हें ऐसा किया ही क्यों, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे दिमाग में चालू हो जाता है और उनका हम स्वीकार करते नहीं। हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी खुशियाँ, शांति, हमारा हमारा बुद्धि चातुर्य सब खत्म हो जाता है। डिस्टर्ब होते, बहुत अपसेट हो जाती, उन्होंने ऐसा क्यों किया। देखो, लोग ऐसा ही करेंगे, लोग आपके मन जैसा करेंगे नहीं, आपको जैसा चाहिए वैसा लोगों का बर्ताव रहेगा नहीं, लोग अपने तरीके से ही करेंगे और उनके नजरियों से वो बराबर है, वो ठीक है, वो परफेक्ट है उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वो जैसे है वैसे है और वो जैसे नहीं है वैसे नहीं है। सो एक्सेप्टिंग द पीपल द वे दे आर एंड द वे दे आर नॉट, वो जैसे है वैसे है और जैसे नहीं है वैसे नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम आई एक्सेप्ट देम। जब लोगों को आप एक्सेप्ट करते हो तो उनके प्रति एक प्यार पैदा हो जाता है। वो कैसे भी होंगे, उन्होंने आपका इंसल्ट किया होगा, नीचा गिराया होगा, जो भी है, मतलब हमको क्या मालूम उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमने उनके लेवल पे गिर जाना, नीचे गिरना, उसके वजह हम उनको ऊपर उठा सकते हैं, हम कंपैशनेट हो सकते हैं, हम उनके ऊपर दया बता सकते हैं, करुणा बता सकते हैं, सहसंवेदना बता सकते हैं, एम्पति बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। समझ लो, सामने वाले को समझ लो, उसकी मानसिक अवस्था क्या है, वो क्या डील कर रहा है, उसके जीवन में हो रहा क्या है, ऐसा क्यों वो कर रहा है पता नहीं, उसको उसमें क्यों मजा आ रहा है पता नहीं। तो वो उसको जो भी है वो एक्सेप्ट करो, प्यार हो जाएगा। एक बार प्यार हो गया, बाद में फिर जो भी कुछ करना है वो करो। प्यार नहीं रखेंगे, उल्टा जवाब देंगे, खुन्नस की भावना रखेंगे तो रिलेशनशिप में और बड़ी दरी तैयार हो जाएगी। हमारा ऐप है, वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डॉक्टर केकरिया नाम का। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी इम्परफेक्ट लोगों को शेयर करो, वो परफेक्ट बन जाएंगे और आपकी रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।